केंद्र में नरेंद्र मोदी है, महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस है, उसी तरह वसई विकास में सिर्फ हितेंद्र है और कोई नहीं आएगा, सिटी जीतेगी। इससे पहले तो मोदी जी ने बोला था हम हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, क्या हो गया उस गारंटी का? पर युवा आमदार सतीश ठाकुर ने भी ये कहा था कि हम वसई विरार करो को रोजगार देंगे, उन्हें वसई से नाला सुपारा से विरार से मुंबई जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस पर क्या? यहाँ पर पानी ही पानी है सर, इतना पानी है कि पूरा वसई विरार बरसात में डूबता है। वसई विरार बरसात में डूबता है तो जब भी हमारी महानगर पालिका बर्खास्त है और हमारे वहाँ पर अधिकारी नहीं है, नगर सेवक नहीं है और ये पूरा सब अंडार में प्रशासकीय राजवट है, मेंढक को रखेंगे तो मेंढक है। 23 तारीख को इनके सबके शटर बंद होने वाले हैं और सीटी बजने वाली है। यहाँ पर 2 रुपया अंडे से पानी मिलता था, 1 बाल्टी 2 रुपया था और आज घर घर में विकास की गंगा आ रही है। किसके वजह से आ रही है? हितेंद्र ठाकुर के वजह से आ रही है। नमस्कार, मैं शिवानी दुबे, आप देख रहे हैं मिरर ऑफ ट्रूथ। वसई विरार में चुनावी प्रचार अपने चरम सीमा पर है, ऐसे में इस समय हम विरार में मौजूद हैं और यहाँ पर हम चुनावी मौसम का हाल लेने आए हैं। आप मेरे ठीक पीछे बहुजन विकास अघाड़ी के कार्यकर्ताओं का हुजूम देखेंगे, हम इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर 2 दिन में यहाँ पर वोटिंग है और ऐसे में इनकी रणनीति क्या है और आखिर क्या कारण है कि वसई विरार की जनता इन्हें भारी बहुमत के साथ विजय बनाए और भारी बहुमत से वोट दे। क्या कहेंगे आप, यहाँ के एक बहुचर्चित चेहरे हैं, ऐसे में 3 कारण बताइए कि यहाँ की जनता जो है वो आपको वोट दे। देखिए, सच्चाई तो यही है यहाँ पर बहुजन विकास आघाड़ी ने काम किया है। सच्चाई झुक नहीं सकती बनावट के उसूलों से, सच्चाई झुक नहीं सकती बनावट के उसूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कागज के कमल से। विपक्ष कहता है कि वसई विरार में विकास नहीं हुआ है, क्या कहेंगे? देखिए, यार जो भी विकास हुआ है वो बहुजन ने किया है। आज इनको गली भी मालूम नहीं किधर क्या काम हुआ है, इसलिए इनको दिल्ली से इनको प्रचार के लिए बुलाना पड़ता है, बड़े बड़े चेहरों को, इनके स्टार प्रचारक को। हमारे आप्पा का कहना है हमारे स्टार प्रचारक हमारे कार्यकर्ता है, हमारे सब नगर सेवक और सब जो कार्यकर्ता है वो हमारे स्टार प्रचारक है। किस तरीके का विकास हुआ है वसई विरार में, क्या कहेंगे? देखिए, रास्ते, पानी, गटर, अभी हमारे सतीश जो ठाकुर वो बहुत सुशिक्षित और मेहनती आमदार है, उन्होंने सरकार से 400 बेड का मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल को मंजूरी लाई है। सर, 35 सालों में मंजूरी आई है बस? 35 साल में ये नहीं मंजूरी आई, 35 साल में बहुत काम हो गए। एक छोटे बच्चे को माँ बड़ा करती है, पिताजी बड़े करते और बच्चा बड़ा होने के बाद इन लोग कहते कि ये बच्चे को हमने बड़ा किया। ये जो है यहाँ पर 2 रुपया अंडे से पानी मिलता था, 1 बाल्टी 2 रुपया था और आज घर घर में विकास की गंगा आ रही है। किसके वजह से आ रही है? हितेंद्र ठाकुर के वजह से आ रही है। यहाँ पर धर्म भेद के नाम पर मत नहीं मांगा जाता है भगवान के नाम पर, या सिर्फ विकास के मुद्दों पर मत मांगा जाता है। किस तरीके का विकास अभी वर्तमान समय में, जब मतलब अभी कुछ महीनों पहले जब बारिश हुई लगातार पानी भरे, सरकारी अस्पताल की बात करें वसई विरार में एक सरकारी अस्पताल नहीं है, स्कूलों की बात करें तो वसई विरार में सरकारी स्कूल नहीं है, क्या कहेंगे? देखिए, सरकारी स्कूल, पहले आप इसको समझिए, सरकारी स्कूल और सरकारी जितने भी स्कूल है, जितने अस्पताल है, हमारे सतीश दादा ने ये मांगे हुए थे कि हम चलाएंगे, हमारी महानगर पालिका चलाएंगी, लेकिन आज तक सरकार से वो प्रोविजन नहीं मिला है। तो इनके जो खासदार थे उन्होंने हमारे यहाँ से हमारे तालुके के लिए कौन सा निधि लाया, कई बार लेटरबाजी हुई कि भाई इस अस्पताल को सुधारो, हमको जगा दो, किसी भी तरह की सहायता नहीं है केंद्र के पास से। जिस तरह केंद्र में नरेंद्र मोदी है, महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस है, उसी तरह वसई विकास में सिर्फ हितेंद्र है और कोई नहीं आएगा, सिटी जीतेगी। विपक्ष ये कहता है कि यहाँ पर हर घर नल तो है लेकिन नल में जल नहीं है, क्या कहेंगे? नल में जल इतना है कि आदमी अपना ओटा धोते हैं, घर धोते हैं, पानी तो है लेकिन अभी नगर पालिका बर्खास्त है, हमारे नगर सेवक फिलहाल नगर पालिका पे नहीं है। अच्छा, किस तरीके के विकास की बात कर रहे हैं? अगर केंद्र की बात की जाए तो वहाँ पर ऐसा कहा जाता है कि आत्मनिर्भर भारत, ऐसा आत्मनिर्भर भारत जहाँ पर 80 करोड़ यहाँ की जो जनता है वो फ्री के राशन पर जिंदा रहती है, क्या ठीक उसी तरीका क्या विकास बहुजन विकास आघाड़ी ने भी वसई विरार में किया है? देखिए, सबसे पहले तो मोदी जी ने बोला था जब नोटबंदी की थी कि हम काला धन लाएंगे, क्या हो गया उस काला धन का, क्या हो गई उनकी गारंटी की? बोला था हम हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, क्या हो गया उस गारंटी का? पर युवा आमदार सतीश ठाकुर ने भी ये कहा था कि हम वसई विरार करो को रोजगार देंगे, उन्हें वसई से नाला सुपारा से विरार से मुंबई जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, आज HDIL इंडस्ट्रीज विरार में आई,
आज वसई में पूरा इंडस्ट्रीज हब है। आज बाहर से लाखों लोग विरार वसई में रहने को आए। क्यों रहने को आए? क्योंकि ये गरीबों का सहारा है। गरीबों का सहारा नहीं है। देखिए 10,000 डिपॉजिट, 2,000 भाड़ा, सबसे प्यारा वसई विरार हमारा। लेकिन देखिए अगर विकास की बात करें तो जो गरीब इंसान होगा वही यहाँ पर रहेगा ना, क्योंकि अगर वो अंधेरी में घर खरीदने जाएगा तो उसे 10,000-12,000 भाड़ा देकर घर मिलेगा, यहाँ पर आपको 2,000 में घर मिल जाएगा। तो ये किस तरीके का विकास है? जहाँ पर देखिए भारत जो है वो डेवलपिंग कंट्री है, ऐसे में अगर वसई विरार में विकास होता तो पब्लिक यहाँ पर रहने नहीं आती। यहाँ पर मूलभूत सुविधाएं से लोग वंचित हैं, यहाँ पर लोगों को कम भाड़े में घर मिल जा रहा है, भले उन्हें मूलभूत सुविधा मिले ना मिले, उनकी पॉकेट अलाउ कर रही है कि वो यहाँ पर आकर रहे हैं। तो क्या कहें? देखिए एक सामान्य इंसान है, जब वो रास्ते पे चलता है तो उसको रास्ता चाहिए, घर आता है रास्ते में तो उसको बिजली चाहिए, घर में नहाने के लिए पानी चाहिए। पानी तो सर टैंकरों का है ना। कौन बोला टैंकरों का है? जिधर जिधर जिन लोगों ने कायदे से घर बनाए हैं, आज हमारे चाली में पानी ही पानी है। किसके वजह से? लोक नेता हितेंद्र ठाकुर जी के, जो जो पानी के लिए प्रयास किए, संकल्प किए, उसके वजह से यहाँ पर पानी ही पानी है। सर इतना पानी है कि पूरा वसई विरार बरसात में डूब जाता है। वसई विरार बरसात में डूबता है तो जब भी हमारी महानगर पालिका बर्खास्त है और हमारे वहाँ पर अधिकारी नहीं है, नगर सेवक नहीं है, और ये पूरा सब अंडार में प्रशासकीय राजवट है। रोड किसने किए? सेंट्रल पार्क का हमने किए, रोड की ऊंचाई बढ़ाई, एक इंच का एक सूद भी पानी नहीं। आप अभी बोले कि महानगर पालिका बर्खास्त है, हमारे नगर सेवक नहीं है, अभी बोलते हैं कि जो रोड बना वो हमने बनाया, तो अगर रोड बनाना तो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट का काम है, तो फिर कैसे आपने बनाया? अभी हमारे आपने नगर सेवक बर्खास्त थे, हमारे आमदार बर्खास्त नहीं थे। तो फिर इस प्रकार से, और जितने सरकारी अस्पताल और सरकारी स्कूल है ये पूरे सरकार के अंडर में आते हैं, और सरकार ने हमने 10 बार सरकार को बोला है कि हमें दे दिया जाए, और सरकार ने दिए नहीं है। और सरकार का हमारी गुजारिश है कि सिर्फ जो है ये कटोगे बटोगे नारे मत लगाओ, विकास करो, गरीबों की रक्षा करो, महंगाई को कम करो, उनको रोजगार दो, ये हमको रोजगार मिलने चाहिए, हमारी युवा पीढ़ी को अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, इसके लिए सरकार क्या कर रही है? तो क्या कहेंगे कि जो 35 सालों में नहीं हुआ, जैसे अभी भी सरकारी अस्पताल सरकारी स्कूल नहीं है, लेकिन इस बार जनता आपको चुनके लाती है, तो क्या ये सब जनता को मिलेगा या जनता को फिर 35 साल लग जाएंगे? देखिए जनता को ये मिलते आया, जो भी काम होता है ये एक मंजूरी से होता है और लाइन लेवल से धीरे धीरे होता है। सर 35 साल बीत गए मंजूरी मिलने में, तो भी और कितना? हाँ तो 35 साल में विकास कितना हो गया उसको भी मद्देनजर रखिए, खाली झूठा आश्वासन देना हम ये कर देंगे वो कर देंगे, इलेक्शन के वक्त सिर्फ आना। देखिए आपने मेंढक देखे, मेंढक बारिश में आते, उसी तरह हमारे पास कुछ मेंढक है पॉलिटिकली मेंढक है, वो सिर्फ बारिश में नहीं तो 5 साल के बाद जब इलेक्शन लगता है तब वोट मांगने आते हैं। ऐसे जो मेंढक है वो अगर हमारे किसी के घर में आएंगे तो हम रखेंगे क्या? आप लोग क्या करोगे मेंढक को रखेंगे? तो मेंढक है, 23 तारीख को इनके सबके शटर बंद होने वाले हैं और सीटी बजने वाली है। जैसा कि आपने सुना कि कुल मिलाकर यहाँ पर साफ तौर पर एक ही बात कहनी है कि अगर ये गल्ले का चुनाव है तो इन्हें दिल्ली के सांसद की जरूरत क्यों पड़ रही है। अब देखना यही होगा कि इस 20 तारीख को वोटिंग किस प्रकार से होती है और आने वाले 23 तारीख को जो रिजल्ट आता है उसमें जो जीत का तिलक है वह किसके माथे सजता है। बहरहाल दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मैं शिवानी दुबे फिर मिलूंगी आपसे। ऐसी ही और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ और सब्सक्राइब करें मिरर ऑफ ट्रूथ। फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें। वीडियो पसंद आने पर लाइक कमेंट शेयर जरूर करें।